देवेंद्र बम्बोले, इनका सवाल ऐसा है कि पंढरपुर का जो विट्ठल रखुमाई मंदिर है वो कभी बुद्ध स्तूप या मंदिर था क्या? अब सही माने में देखा जाए तो मुझे इस सवाल का सही जवाब तो मालूम नहीं है, लेकिन इस सवाल को ही मेरा सवाल है। अभी सब लोग विट्ठल रखुमाई का मंदिर उसको मानते हैं, पहले वो बौद्ध स्तूप था नहीं था, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, ये सब चीजों से हमको क्या लेना देना है, क्यों हमने इन बातों को महत्व देना चाहिए? पहले वहां क्या था, इसके पहले वहां क्या था, इसके पहले वहां क्या था, आर्य बाहर से आए, अभी आर्य पृथ्वी पर है या फिर हिंदुस्तान में है, यह अनार्यों की भूमि है, ये जो सब झगड़े वाली बातें हैं इनसे हमने दूर रहना चाहिए, इसके फायदा तो कुछ है नहीं। इससे ज्यादा से ज्यादा समाज में एक विभाजन पैदा होगा, इसका फायदा तो मानव जाति को नहीं है। सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए कि इंसान ने धर्म पैदा किए हैं। जब भी हम सोशियोलॉजी का अभ्यास करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी का अभ्यास करते हैं, हमको सीखना पड़ता है कि इंसान ने धर्म पैदा किए हैं। ये सच्चाई हमने समझ लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पहले क्या था, इससे विभाजन होगा, इंसान इंसान में फूट होगी, इंसान इंसान का शत्रु बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसे झंझट से दूर रहना हमने सीखना चाहिए। पहले ही हमारा देश बहुत भुगत रहा है, 92 से भुगत रहा है, बाबरी मस्जिद प्रकरण आप सबको मालूम है, उसके कारण देश में क्या हो रहा है मालूम है। पहली बार पूरे देश में एक मुस्लिम टेररिज्म उसके बाद में शुरू हुआ, उसके परिणाम कश्मीर भी भुगत रहा है, पूरा भारत भुगत रहा है, आगे भी भुगतने वाला है, और नए प्रॉब्लम्स हम क्रिएट ना करें इतना देखे, यही तो प्रॉब्लम हमसे संभाले नहीं जा रहा है। इंसान को इंसान कर महत्व दो, सबसे बड़ा इंसान होता है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें, तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।